माइक्रोफोन है अहूजा का, तथा ये इसका डेलीगेट यूनिट, ये इसका डेलीगेट यूनिट है। और इसके अलावे एक मेरे पास मिक्सर मशीन है, यह है मिक्सर मशीन और एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, जो अहूजा कंपनी का इसका मॉडल ये है। सबसे पहले मैं इसके जो नोब्स हैं और जो कनेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आप ये पावर बटन देख सकते हैं, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया तो ये जो ऑन लाइट है ये बुझ गया, और ये यहाँ से मैं जब ऑन करूँगा तो ये ऑन लाइट ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और एलईडी लगा है ओवरलोड का, ये शो करता है। मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटी है कि इसमें आप चार स्पीकर जोड़े, चाहे जितने इसकी होम आउटपुट कैपेसिटी उसे ज़्यादा जोड़ दिए तो इसका ओवरलोड शो कर देगा। और अगर कुछ और इसमें कमी आती है, मान लीजिए कि उस लोड को नहीं सह रहा है या ओवर हीट हो रहा है, तो ये और रिसेट होकर ऑटोमेटिक 30 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। 30 सेकंड बाद ही आपको वापस दबा के इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये इसके इस साइड के कुछ स्विच हैं और एलईडी हैं। इसके अलावा ये एलईडी है मास्टर्स के, जो आउटपुट लेवल बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैं भी इसको माइक से बोला हेलो, तो आप देख सकते होंगे कि दो तीन इसके लाइट चल रहे हैं। तो ये सब इसके आउटपुट के एलईडी शो कर रहे हैं। इसके अलावा मास्टर कंट्रोल, यहाँ से हम इसके जो मेन वॉल्यूम्स हैं यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं मास्टर से। और इसके अलावा इसमें ये बैस है, जैसे कि आप जानते हैं बैस किसी भी साउंड का अगर मोटा करना है तो उसका हम बैस बढ़ाते हैं, और ट्रेबल द्वारा उस साउंड की क्वालिटी में जैसे पतला करना हो तो ट्रेबल की यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें दो स्विच है, जब हम इसको जो चोंगा बोलते हैं जिसको हम अपने लोकोंडे से बोलते हैं यूनिट हॉर्न, उसको यूनिट हॉर्न बोलते हैं, और जब स्पीकर पे करना हो तो स्पीकर साइड में रख लेंगे। जब इधर आएंगे तो इधर बहुत सारे नोब्स लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑक्स 3, ऑक्स 2, ऑक्स 1। तो मैं इसके पीछे पार्ट्स में ले चलता हूँ आपको। ये है इसके ऑक्स पोर्ट सारे, जिसका कंट्रोल, जिससे कंट्रोल आगे से है, इनपुट ऑक्स है। तो मान लीजिए कि अगर मैं जिस ऑक्स में लगाया हूँ, ऑक्स 1 में मेरा जो केबल लगा है इनपुट केबल, तो वहाँ से हम इसकी साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम बेसिस यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे माइक्स के लगे हुए हैं, माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4। तो यहाँ मान लीजिए कि मुझे माइक का ऑक्स केबल मैंने यहाँ लगा दिया, और मैं इसको ऑफ है, अभी मैं इसको ऑन कर दिया, और यहाँ से इसकी साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो दूसरा एंड है उसको हम इस यूनिट के द्वारा माइक में इनपुट ले सकते हैं डेलीगेट यूनिट के द्वारा। तो दूसरा एंड इसका यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका दूसरा एंड यहाँ लगा हुआ है डेलीगेट यूनिट में। डेलीगेट यूनिट के बारे में अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये हो गए इसके ये वाले पोर्ट्स, ये सारे स्विच हैं, और इसके वॉल्यूम कंट्रोल है। इसके बाद हम आते हैं इसके डेलीगेट यूनिट में। डेलीगेट यूनिट में आप देख सकते हैं कि एक ऑन ऑफ स्विच है, इसके अलावा जो ये ऑक्स जैक दिया है, इसका एक एंड इसमें लगता है, और दूसरा एंड या तो आप डायरेक्ट पावर एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, या जो मेरे पास अभी ये मिक्सर है इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसको मिक्सर में लगाता हूँ, और इसका जो एक इनपुट है आउटपुट है यहाँ देते हैं, और इसके बाद सीधा पावर एम्पलीफायर में। तो ये कनेक्शन हो चुका है। अब पावर एम्पलीफायर के पीछे वाले हिस्से में आएंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से एसी इनपुट हम देते हैं इस पावर एम्पलीफायर को, और इस हिस्से से डीसी इनपुट। तो ये 36 वोल्ट पे रन करता है, जब मान लीजिए कि लाइट नहीं है तो उस समय अगर हम बैटरी से देना चाहें तो इसको डीसी 36 वोल्ट दे सकते हैं, प्लस और माइनस दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम यूनिट हॉर्न बजाना चाहें, जिसको चोंगा बोलते हैं, तो यहाँ से हम यूनिट हॉर्न बजा सकते हैं, और ये वाला स्पीकर बजाने के लिए है जो इसको अभी कवर किया हुआ है, लेकिन इसमें वायर जुड़ा हुआ है जिसका वायर एक साइड बाहर निकला है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था कि इसकी यूज क्या है। इसके अलावा पीछे इसमें कुछ नहीं है, और एक फ्यूज दे रखा है, तो अगर कुछ पावर ऑन नहीं हो रहा तो इस फ्यूज को एक बार निकाल कर आप चेक कर लीजिए कि कहीं ये फ्यूज तो नहीं जला हुआ है। और इसमें ये अर्थिंग दिया हुआ है, इसको ज़रूर आप दें। अर्थिंग देने से जो झनझनाहट आती है आवाज़ में, या कुछ शॉर्ट सर्किट या थंडरिंग वंडरिंग होने पे इसकी बचाव करता है। अब मेरे पास ये है जो वायरलेस माइक बोलेंगे इसको, इसमें नाइन वोल्ट बैटरी लगता है, और इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसमें चैनल मिलाने वाला नहीं है क्या?
ऑटो चैनल। तो अब अगर इससे एडवांस लेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ एक चैनल मिलाने वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो मान लीजिए चैनल वन में रखना है तो आपको डेलीगेट यूनिट को भी चैनल वन में ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ा पुराना मॉडल है इस चीज़ में नहीं दिया है, तो चैनल वहाँ जैसे मान लीजिए आपके पास चार पांच माइक हैं तो अलग अलग चैनल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इसमें सिर्फ ये वॉल्यूम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए आप मैक्सिमम दो माइक ही जोड़ सकते हैं, लेकिन जो अभी नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें आप एक साथ सात आठ माइक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको चैनल एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि पहले बताया था कि ये वाले माइक वाले जितने भी सेक्शन हैं, तो हम जो भी हमारे डेलीगेट यूनिट हो या वायर माइक सीधा हम इसमें कनेक्शन देते हैं, जिसकी कंट्रोल इन सारे नॉब्स के द्वारा करते हैं। ये 12 चैनल का मिक्सर है और ये वाला जो मेन आउट है इसके द्वारा हम पावर एम्पलीफायर को आउट करते हैं। इसमें जो मुख्य नॉब्स है ये सारे नॉब्स हैं, इसके अलावा ये मेन नॉब्स हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने जो भी साउंड एडजस्ट करके अपना रख दिया, इसके अलावा हमें कम बेसी का जैसे मुझे किसी चीज़ का इसके द्वारा जो माइक लगा उसकी साउंड को बढ़ाना है तो मैं ऑन कर दिया। हेलो 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 हेलो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये साउंड कम बेसी हो सकता है आसानी से। इसमें कुछ छोटे छोटे नॉब्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट पीए एक्सपर्ट बताएंगे। बताइए। नंबर वन इको, इसमें इको बारता है, एक बार बोलने से रिपीट होता है। हेलो हेलो हेलो, जैसे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इको का ही बटन है। आगे बताइए। ये है पैन, नंबर टू पैन, इसका काम है फिल्टर करके साउंड को हाई क्वालिफाई करना। ये है ट्रेबल बोलता है इसको, ये साउंड को पतला करता है, मतलब ट्विटर का काम में आता है। ये मिड, मिड का काम है शॉप को कंट्रोल करके साउंड को हाई में लेके आना। जितना ये है गेन से शुरू करके बेस से शुरू करके टी में शुरू करके पैन को शुरू कर इको से लेके पाँचों को लेके इसको शॉप को हाई में लेके आना। ये है बेस साउंड को मोटा करने का। ये है गेन, इसका आवाज़ थोड़ा स्लो है, आवाज़ को हाई करने के लिए गेन का बनाना पड़ता है। इस लाइन का मास्टर यही है। इसमें ये और बहुत सारे लाइंस दिए हुए हैं, तो आप इसको लाइंस में भी दे सकते हैं, लेकिन जब इसको लाइंस में देंगे तो आप इस कोई भी साउंड में आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल साउंड मिलेगी। जैसे कि अभी टेस्ट करते हैं। हेलो 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 आप इजीली दोनों के साउंड में अंतर चेक कर सकते हैं। तो जनरली इसको माइक में ही लगाते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक साथ इसमें दो तीन माइक जोड़ दिए और गाना भी बजाना चाहते हैं मोबाइल से, तो दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक पे गाना गाना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक एंड किसी में भी लगा दीजिए और उस मान लीजिए कि मैंने इसमें लगाया तो इसकी साउंड यहाँ से मुझे कितना रखना है गाने का साउंड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं गाना बजा के। तो बैकग्राउंड म्यूजिक पे मैंने बोला, तो आप एक साथ दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। आपको और भी माइक कनेक्ट करने हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये सारे नोब्स का ये काम है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, जरूर हम उसके बारे में है। इसका पावर ऑन ऑफ है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, फोर्सनेट में आपका स्वागत है और आज आपको बताया गया पावर एम्पलीफायर के बारे में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शक हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको दे दिया जाएगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें फोर्सनेट को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें फोर्सनेट चैनल को। जय हिंद।